अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात का फेमस मटन दाल पलीदा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर तुअर दाल लिया है, अरहर का दाल जिसे बोलते हैं, इसे हमने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। दाल अच्छी तरह फूल गया है। यहाँ पर हमने 500 ग्राम मटन लिया है। चावल है, चावल को भी हमने भिगो कर रखा है 1/2 घंटे पहले। यहाँ कुछ स्पाइसेस हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, 1 टीस्पून गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दालचीनी है और तेज़पत्ता है। यहाँ हरा धनिया लिया है हमने, पुदीना है, इसे अच्छी तरह धो लिया है, धोकर कट किया है। दाल फ्राई के लिए हमने घी लिया है, हींग है, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा है, लाल मिर्च है, दालचीनी और साबुत जीरा है, ये बाजरे का आटा है। हमने कढ़ाई रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। इसमें हम दाल डालेंगे, 200 ग्राम के करीब हमने दाल लिया था। इसमें हम 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे ताकि दाल अच्छी तरह उसमें पानी में डूब जाए। पानी हमें वेस्ट नहीं करना है, आगे हम कुकिंग में यूज करेंगे पानी। इसमें नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। दाल को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है। 10 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। दाल पहले से अच्छी तरह भीगा हुआ था तो हम दाल को ज़्यादा नहीं गलाएंगे। कुछ दाल का टेक्सचर इस तरह होना चाहिए, काफ़ी गर्म है, दबाने पर आसानी से टूट जाए। इस स्टेप पे हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे छान लेंगे। दाल अलग रखेंगे और पानी अलग करके रख लेंगे। हमने यहाँ कुकर लिया है, कुकर में ऑयल डाल दिए हैं। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, तेज़पत्ता और दालचीनी डालेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज को हमने चॉप कर लिया है। 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, इसके बाद हम इसमें मटन डाल देंगे। कलर चेंज होने तक हम मटन को इसमें भूनेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 मिनट इसे भी भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चले जाए। इसमें सभी मसाले डालेंगे और 5 मिनट इसे अच्छी तरह भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, हमने 2 बड़े साइज का टमाटर लिया था। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हम कवर कर देंगे 10-15 मिनट के लिए। दूसरे बर्नर पर हमने कढ़ाई रख दी है, ऑयल डाल दिए हैं। इसमें हम दालचीनी डालेंगे, साबुत जीरा डालेंगे, पानी डालेंगे। इसमें चावल को हमने पहले से छान कर रख लिया है। नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, चावल के हिसाब से आप जितना चावल लें। हमने यहाँ पर 1/4 कप चावल लिया है। चावल को हमने पहले से भिगो दिया था तो हम पानी हिसाब से डालेंगे। चावल के ऊपर सिर्फ 1/2 इंच पानी आना चाहिए, वरना चावल गीले हो जाएंगे, पुलाव अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे। 10 मिनट में परफेक्ट चावल बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए 10 मिनट हो चुका है, दाल हमने जो छान कर रखा था, अब हम इसका लेयर लगाएंगे। आप चाहें तो 2 पार्ट का लेयर लगा सकते हैं, बट हम एक ही लेयर लगा रहे हैं। चावल देखिए कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। दाल का हम अच्छी तरह इस पर लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ा बिरिस्ता डालेंगे और इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, दम पर रखेंगे। दूसरे बर्नर पर हम बाजरे का आटा रोस्ट कर लेंगे। 2-3 मिनट हम इसे रोस्ट करेंगे, हल्का सा इसमें खुशबू आने लगेगा। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हल्का सा खुशबू आने लगा है, हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, इसे साइड कर देंगे। हम मटन चेक कर लेते हैं। 3 सीटी आने तक हमने इसे कुक किया है, तकरीबन 10 मिनट कुक हुआ है। हमने दूसरी कढ़ाई ले ली है, इसमें दाल का जो पानी लिया था वो डालेंगे, रोस्ट किया हुआ आटा डालेंगे। हमने यहाँ पर बाजरे का आटा लिया है, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। अब हम इसमें पुदीना डालेंगे, हरा धनिया पत्ती डालेंगे और मटन को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, धनिया पत्ती और पुदीना डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे साइड कर देंगे। हम तड़का रेडी करेंगे। हमने यहाँ पर फ्राई पैन लिया है, इसमें घी डालेंगे। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। हम इसमें हींग डालेंगे चुटकी भर,
हाफ टी स्पून हमने साबुत जीरा लिया था वो डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और अच्छा सा इसका तड़का लगाएंगे। गुजरात का फेमस डिश है, अक्सर लोग यहाँ पर हल्दी वगैरह में ये डिश को बनवाते हैं और खाना भी बहुत पसंद करते हैं, काफ़ी डिलीशियस लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम सर्व करते हैं। तो देखिए गाइस, मटन दाल पलीदा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।